और संसार के मिथ्या सुखों में भटकता हूँ और तू प्रकाश स्वरूप है। मैं जैसा तैसा हूँ तेरा हूँ, तू चाहे तो उन अबोझ बच्चों को जलती हुई आग से बचा सकता है। मेरे ईश्वर, मेरे मालिक, मेरे सर्वेश्वर परमेश्वर, तुम करने में समर्थ, न करने में समर्थ, अन्यथा करने में समर्थ। वो भाव भी नहीं प्रार्थना करे हो जा रहा है, उसकी नजर गई कि तीन घोड़ेस्वार आके खड़े हैं। इतने में प्रहलाद ने पूछ ही लिया कि तुम क्यों प्रार्थना कर रहे हो। बोले, युवराज, नेवे में आग लगाने के पहले ईंटें थी, कुछ मटकियां भी थी, मटकी में बिल्ली ने बच्चे दे रखे थे। हमने सोचा कि साथ साथ में ये पक जाएंगे, ईंटें पकेगी, थोड़े घड़े भी रख देते, ये भी अमुक जगह पे पक जाएंगे, लेकिन घड़े पकाने के पहले ही बच्चों को निकाल कर कहीं रख देंगे, ये हमने सोच रखा था। लेकिन आग लगाते वक्त पत्नी ने समझा कि पति ने निकाल दिए होंगे, पति ने समझा पत्नी ने, और फिर शक लगा के बेटे ने निकाले होंगे। आग की लपटें जब चारों तरफ नेवे को घेर ली और लपटें ऊंची पहुंची, तब तीनों एक साथ मिले और रहस्य समझ में आया कि बिल्ली के बच्चे तो बीच नेवे के रह गए। अब ये मिट्टी की ईंटें पककर लाल हो जाएगी तो वो बेचारे मासूम बच्चे हम कैसे बचा सकते हैं? बचाने जाए तो हम भी तो जल जाएंगे, बच्चे भी जल जाएंगे, वो तो जले हुए मिलेंगे। लेकिन एक ही उपाय है हमारे पास, क्या भाई, चारों तरफ आग लगने लपटे ली है, वो बिल्ली के बच्चे बीच में अगर ईश्वर चाहे तो उस एरिया को कच्चा रख सकता है। आग में अग्नि तत्व उसका है, जल में रस सत्ता उसकी है, पृथ्वी में बीज को उभारने की सत्ता उसकी, शिशुओं में मां से खुराक लेने की ज्ञान धारा उस परमात्मा की, पापियों में वासना की प्रधानता से वो पाप तो करते हैं लेकिन फिर भी पक्ष तो सत्य का लेते ही है। जैसे कोई मित्र है हमारा, उससे प्रेम है, उसे हमको कुछ मिलता है लेने को, देने को, खाने को, कुछ कुछ हमें अच्छा लगता है, तो मित्र ने चोरी की, दो नंबर का किया या कुछ गड़बड़ की या खून किया, वो फंस गया है, तो हम जानते हैं कि वो फंस गया है, उसने गलत किया है, तब भी हम उसको मदद करते हैं। मेरा भाई खून केस में फंसा है, इनकम टैक्स में फंसा है, एक्सीडेंट में फंसा है, गलत किया है, फिर भी हम उसका पक्ष लेते हैं, क्योंकि वासना सुख में झुकाव है बुद्धि का, बुद्धि में तटस्थता नहीं है, प्रकाश नहीं, सुख का झुकाव है। लेकिन कृष्ण की बुद्धि और श्री राम जी की बुद्धि में ऐसा नहीं हो सकता है। विभीषण भी भगवान के भक्त हैं, इसलिए विभीषण की बुद्धि में भी पक्षपात नहीं आया। प्रहलाद की बुद्धि में अब प्रकाश होने जा रहा है। तो युवराज ने पूछा, तो आप प्रार्थना करते हो तो क्या ये चारों तरफ लपटे ले रही आग के बीच तुम्हारे बिल्ली के बच्चे भगवान जिंदे रख देंगे? बोले, भगवान समर्थ है, भगवान तो सभी तत्वों में समाये हुए, और हम बुरा करते तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और हमारी शक्ति क्षय हो जाती है। हम दान पुण्य करते, अच्छा करते, दिखावे बिना की सेवा करते तो हमारा आनंद और बल बढ़ जाता है। धर्म के लिए हम कष्ट भी सह लेते तो आंतरिक सुख मिलता है, और अधर्म करके हमको सुख भी मिलता है तब भी अंदर में आनंद नहीं आता। तो भर्ता भोक्ता और कर्म का नियामक, कर्म का प्रेरक प्रोत्साहक और फल का दाता और नियामक वो ईश्वर है। कर्म तो हम करते हैं, उसका फल एक घंटे में मिले, एक दिन में मिले, एक साल में मिले, एक जन्म में मिले, एक युग में मिले, 73 जन्मों के बाद मिले। कर्म का फल देने की व्यवस्था उसके हाथ की बात है, व्यापक उसके हाथ की बात है, और अंदर में तो अपने अंतरात्मा सब देख रहा है।
छुप के शुभ कर्म करो तब भी उसका शुभ फल होता है, छुप कर भी अशुभ कर्म करो तो उसका फल होता है। तो अंतर्यामी है, नियता है, प्रेरक है और फलदाता है। तो युवराज अग्नि में हो जिसका है, और मेरे हृदय में प्रार्थना करने की मति गति भी उसकी कृपा से हो रही है। अगर वो चाहेगा ना मेरी प्रार्थना, मेरा हृदय और मेरे शब्द एक हो जाएंगे तो वो राजी हो जाएगा, तो बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे, मासूमों की हत्या के पाप से मैं बच जाऊंगा और उसके प्रति मेरी आस्था भी बढ़ जाएगी। युवराज ने कहा तुम ऐसा करो, जब तुम नेवा खोलो, बिल्ली के बच्चे जिंदे मिले तो मुझे बुला लेना। बोले युवराज परसों आप पधारना, फिर ही हम आपके सामने ईंटें हटाएंगे। बिल्ली के बच्चे बचे हुए जिंदे मिल गए, फिर भी हो सकता है कि आपके मन में शंका आ जाए, उस नीता के प्रति आस्था कम रह जाएगी। शंका होगी तो लाभ कम होता है। आप आओगे फिर हम ये नेवा हटाएंगे, हम वचन करते। प्रहलाद तीसरे दिन की बाट देखते, तीसरा दिन हुआ, प्रहलाद गए, ईंटें हटी, एक थप्पी, दूसरी थप्पी चारों तरफ से, फिर तीसरी थप्पी, चौथी थप्पी, हटते हटते बीच धार है जहां थोड़ा कुछ जगह थी और बिल्ली ने बच्चे दे रखे, वो ईंटें थोड़ी कच्ची सी रह गई और बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते कूदे, सर्जनहार की जय करते हुए कुंभार परिवार सहित गदगद हो गया। और प्रहलाद की छुपी हुई भक्ति के संस्कार जागृत हो गए और वे दृढ़ हो गए। आपके जीवन में भी कई बार बिल्ली के बच्चे जिंदे दिखते हैं, आप चारों तरफ से घिर गए हैं, कोई सहायता नहीं, और आप शांत कमरे में बैठ जाते, प्रार्थना करते, अथवा जहां तहां आप प्रार्थना करते, और आपको लगता है कि क्या होगा, मैं तो मर गया, ये हो गया हो गया, और एकाएक कोई अदृश्य सत्ता आपके मार्ग में रोशनी कर देती है और जितना भयंकर दुख कष्ट और मुसीबत थी उतना ही आसानी से दूर हो जाती है। आपको मानना पड़ता कि मेरी प्रार्थना तूने सुन ली है। और कभी कभार हेकड़ी वाला हमको ये क्या कर लेगा, हमको वो क्या कर लेगा, तो उस हेकड़ी वाले की हेकड़ी तोड़ने के लिए भी सृष्टि करता है ऐसा छोटा मोटा खेल कर लेता है कि बड़े बड़े तिशमार खान को भी मुंह की खानी पड़ती है। जैसे हमारे सामने कोई आंख नहीं उठा के देख सकता है, हमारे पास बम ऐसे हैं, हमारे पास अणु बम ऐसे हैं, और सभी देशों पर दहाक रखने वाला देश, एक दो शागिर्द और एक आइडिया देने वाला, तीन बंदों के द्वारा ऐसा तो अमेरिका में उथल पाथल हो गया कि उनको भी पता चला कि तीन बंदे हमारी इतनी सारी सेना, इतने सारे खुफिया एजेंसियां, 40 देश अभी तक हम उनको पकड़ने में विफल हो रहे हैं, तो कोई हमारी बुद्धि के अहंकार को तोड़ने वाली सत्ता भी मौजूद है। अगर इस प्रकार वे सोचे तो उन्हें बुद्धि योग मिल जाएगा और वो शांत हो जाएंगे, तो बिना इतने बम गिराए सफलता मिल सकती। लेकिन जब अहंकार में आकर बम गिराए जाएंगे तो सफलता का तो डिंग हाँकना हुआ, लेकिन एक प्रकार का आतंक बढ़ सकता है। तो श्री कृष्ण, श्री राम और महात्मा जन कोई निर्णय लेते हैं तो बुद्धि योग करके निर्णय लेते हैं, हित की प्रधानता से, और लोग जो निर्णय लेते हैं अहं की प्रधानता से, हमारे पास इतने हथियार।